मनीषा रानी के लिए एल्विश ने किया जिया शंकर के सॉन्ग को रिजेक्ट। एल्विश ने निभाई मनीषा के साथ की दोस्ती, ये है वो बड़ी आई बड़ी खबर जिसे सुनकर एल्विशा फैंस को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों इन दिनों अभिषेक जो है वो जिया शंकर के साथ म्यूज़िक वीडियो करने जा रहे हैं और ये वही म्यूज़िक वीडियो है जिसको एल्विश को भी ऑफर किया गया था। एल्विश यादव के नाम से कई बार ये न्यूज़ फैलाई गई जो कि फेक न्यूज़ थी कि एल्विश जो है वो जिया शंकर के साथ म्यूज़िक वीडियो करने जा रहे हैं। अब कटारिया के बाद एल्विश ने भी खुलासा कर दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है जिया शंकर के साथ म्यूजिक वीडियो करने में। हालांकि ये बात भी साफ है कि वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो दोनों ही मनीषा रानी के साथ इन द नियर फ्यूचर यानी कि सितंबर के मंथ में कटारिया और एल्विश यादव करने वाले हैं, जो कि एक बड़ा प्योर हार्टेड दिखाता है एल्विश का एक तरफा अभिषेक की तरह डिप्लोमेटिक नहीं। एल्विश जो है वो बिल्कुल ही प्यार में हो गए हैं मनीषा रानी के और मनीषा से अगर वो दोस्ती निभा रहे हैं तो पूरे एंड तक एल्विश की दोस्ती मनीषा के साथ दिख रही है, चाहे वो बिग बॉस का घर हो या फिर बिग बॉस के बाहर। एल्विश यादव ने कहा कि मैं जब भी किसी के साथ दोस्ती निभाता हूं तो मैं उसका स्टारडम या फिर मैं उसकी औहदे को देख कर दोस्ती नहीं निभाता हूं, मेरी दोस्ती हमेशा ही दिल से होती है। और शायद हमारी जो बॉन्ड है मनीषा के साथ वो इसीलिए बनी है क्योंकि मनीषा भी बहुत ही ज़्यादा दिल से साफ है और दिल से दोस्ती निभाती है। यही वो बड़ी वजह थी कि एल्विश यादव ने जिया शंकर के सॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया है। एल्विश नहीं चाहते हैं कि मनीषा और अभिषेक की तरह ही उनके और मनीषा के बीच के फैंडम की भी ज़बरदस्त लड़ाई हो। वो चाहते हैं कि वो म्यूज़िक वीडियो मनीषा रानी के साथ करें की जिया शंकर के साथ। एल्विश के इस प्योर हार्टेड नेचर पे आप क्या कहना चाहोगे, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।